हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं टिकटॉक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस ऐप है क्योंकि लाखों पाकिस्तानी इसे देखते और यूज़ करते हैं और कुछ कंटेंट रेडी करते हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। मुल्क भर में बहुत से फेमस और वेल नोन टिकटॉकर्स मौजूद हैं। इस ऐप को पसंद करने, डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इसके अलावा हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि टिकटॉकर्स सेलिब्रिटीज़ में तब्दील हो गए हैं और उनका अपना फ़ैन बेस टिकटॉक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के बारे में बताऊंगी। नंबर 10, रोमैसा। रोमैसा टिकटॉक पर तो फेमस हैं लेकिन साथ ही वो अपने टेलीविजन ड्रामा सीरियल्स के लिए भी फेमस हैं। इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां रोमैसा अपना कंटेंट क्रिएट करती हैं। रोमैसा अच्छी तरह से जानती है फेमस डायलॉग से लेकर मौजूदा दौर के लोगों तक अपनी ऑडियंस को किस तरह एंटरटेन करना है। रोमैसा के टिकटॉक चैनल पर 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रोमैसा टॉप 10 पाकिस्तानी टिकटॉकर्स में 2023 में 10वें नंबर पर है। नंबर 9, तौकीर अहमद। पाकिस्तान के वायरल टिकटॉकर्स के हवाले में जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा एहतराम करते हैं वो है इनकी किस्म। देही और शहरी दोनों इलाकों के अफराद को टिकटॉक पर अपनी सलाहियतों को नुमाया करने का मौका फ्राहम किया गया। इन प्रोफाइल्स में एक तौकीर अहमद है, टिकटॉक पर अपनी फ़नी और अच्छी कोरियोग्राफ वाली वीडियोस के लिए फेमस है। इनके फैंस इनकी काबिलियत के साथ साथ वीडियोस में इनकी मेहनती अदाकारी की भी तारीफ करते हैं। टिकटॉक पर इनके 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनका शुमार सबसे ज़्यादा फेमस टिकटॉकर्स में से होता है। नंबर 8, सहर हयात। सहर हयात एक पाकिस्तानी एंटरटेनर और मॉडल हैं। इनके टिकटॉक पर 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सहर इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी नज़र आती हैं। इनके अलावा वो मुख्तलिफ पाकिस्तानी टिकटॉकर्स सितारों के साथ भी मामूल के मुताबिक काम करती हैं। नंबर 7, उस्मान नसीम। उस्मान नसीम एक पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। प्रैक्टिकली तौर पर इनके मुख्तलिफ वीडियोस को मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर किया जाता है। इनकी वीडियोस फ़नी होती हैं। उस्मान एक शानदार कंटेंट क्रिएटर हैं। वो अपनी वीडियोस में हैशटैग फेमस मौलवी का इस्तेमाल करते हैं और लोग भी इसी हैशटैग को यूज़ करते हैं। इनके 10.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 6, अरीका हक। अरीका हक एक पाकिस्तानी बिग नेम टिकटॉकर है। अरीका की टिकटॉक वीडियोस मास्टरपीस हैं और वह हमारे थिएटर और तफरीही दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकती है। इसके अलावा इनके इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पर 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 5, नौशीन सैयद डोली। ये एक फेमस टिकटॉकर, मेकअप आर्टिस्ट और डिज़ाइनर है जो टिकटॉक को अपनी बेशुमार स्किल्स को दिखाने और साबित करने के लिए यूज़ करती हैं। इनके पास अपने यूट्यूब चैनल पर मेकअप टिप्स और फनी वीडियोस हैं। डोली के टिकटॉक पर 13.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 4, ज़ुल्कर्नैन सिकंदर। अपनी सुपर कॉमिक टिकटॉक रिकॉर्डिंग से ज़ुल्कर्नैन ने बेशुमार दिल जीत लिए हैं। ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है कि इनके मदाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि इसमें अदाकारी की एबिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। टिकटॉक पर इसके 15.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ज़ुल्कर्नैन पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार्स में टॉप 10 में से एक हैं। नंबर 3, अलिशबा अंजुम। अलिशबा अंजुम पाकिस्तान की एक और वेल नोन एक्टर और मॉडल हैं जो अक्सर टिकटॉक यूज़ करती हैं। इनकी फैशन अवेयरनेस और चार्मिंग वीडियोस ने उन्हें आसानी से पहचाना जाने वाला नाम बना दिया है। अलिशबा का टिकटॉक पर दूसरा नाम निशे है। अलिशबा को टिकटॉक की तरफ से इनकी काबिले तरीफ वीडियोस की वजह से उन्हें वैल्यूएबल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। इनके टिकटॉक पर 15.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब के टिकटॉक अकाउंट पर 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कमल आफ्ताब ज़ुल्कर्नैन की वाइफ हैं। कमल एक मशहूर शो की मेज़बान और अपने शो हाई मोटो की वजह से भी फेमस है। इनकी क्यूट स्माइल से लोग बहुत प्यार करते हैं। नंबर 1, जन्नत मिर्ज़ा। मिर्ज़ा सिस्टर्स में से जन्नत मिर्ज़ा की सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इनके फैंस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जन्नत के टिकटॉक पर 21.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जन्नत मिर्ज़ा वेल नोन सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और मुसलसल वीडियोस बनाकर अपने फ़ैन फॉलोइंग को और बढ़ा रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से कौन सा टिकटॉकर आपका फेवरेट है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।